हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो पीडीएफ फुली अपडेटेड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। प्राइजेस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको एग्ज़ाम से पहले करके जानी है। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि पूरी की पूरी आपको ये जो पीडीएफ है क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक है, आपको इस टॉपिक के बारे में इसमें एक आइडिया लेना है। इम्पोर्टेंट कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या रहता है? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये होता है कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई, किसने की। 12 सितंबर 2019 को रांची में, झारखंड में, पीएम मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई। सो द प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना वॉज लॉन्च ऑन 12 सितंबर 2019 एट रांची, झारखंंड, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि इसका एम क्या था। अंडर दिस स्कीम ए मिनिमम फिक्स्ड पेंशन ऑफ 3000 इज प्रोवाइडेड टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन अटेनिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इसमें है क्या। एक लाइन बता दी किसके लिए है, 18 से 40 तक की फार्मर्स जो है उनके लिए है ये। मतलब जिसमें क्या है, आपका एक फिक्स्ड पेंशन है 3000 की, डेट इज़ प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद उनको 3000 की पेंशन मिलेगी, जो भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। आगे देखिए, द बेनिफिशियल कैन बिकम अ मेम्बर ऑफ PMKMY स्कीम बाय रजिस्टरिंग अंडर द पेंशन फंड मैनेज बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए बॉडी, द मेंबर्स आर दस रिक्वायर्ड टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड बिटवीन ₹55 to ₹200। ठीक है, ये जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने रजिस्टर करवाया है, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जिन्होंने पंजीकरण करवा दिया है, उनको बेसिकली रिक्वायर्ड है, दे रिक्वायर्ड टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। उनको अपने पेंशन फंड में कुछ मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करना है। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है? 55 से 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना है, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 55 से लेकर 200 रुपये है, ये डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। द रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन डेट मस्ट बी मेड बाई दैम एंड द यूनियन गवर्नमेंट अंडर दिस योजना इज 1:1। मतलब जो योगदान है दैट मस्ट बी मेड बाई दैम, उनके द्वारा, एंड द यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, मतलब जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन, जो किसान है, जो 55 से लेकर 200 रुपये हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही गवर्नमेंट जो है वो फिर उनको बाद में रिटर्न दे देगी। द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द PMKMY स्कीम इज इक्वल टू द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द फार्मर्स। वही बात लिखी है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर अदर स्कीम्स सच एज द नेशनल पेंशन स्कीम्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम्स, एम्प्लॉयज फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर PMKMY स्कीम। मतलब जो पहले से ही और स्कीमों में, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम मतलब के अंदर रजिस्टर, मतलब अगर वो कोई जो ऊपर हैं और NPS उनका चल रहा है, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम है, अलोंग विद द बेनिफिशियरी द स्पाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड कैन गेट ए सेपरेट पेंशन ऑफ 3000 बाई मेकिंग सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। मतलब उनकी जो स्पाउस है, उनकी जो वाइफ या फिर जो उनके हस्बैंड है, वो भी इक्वली जो है वो इसकी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। कंक्लूजन में क्या है, इफ देयर इज़ नो स्पाउस देन द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू द नॉमिनी। इफ द फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 10 करोड़ फार्मर्स विल अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विद इन नेक्स्ट 5 years, making it one of the largest pension schemes of the world. So this is the conclusion part, introduction part हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में किया गया। इस योजना के तहत छोटी और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40
वर्ष की आयु के किसानों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड के तहत पंजीकरण करके लाभार्थी पीएम केएमवाई योजना के सदस्य बन सकते हैं। इस प्रकार सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान के प्रावधान के साथ उनकी आयु के आधार पर पेंशन फंड में 55 से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है। इस योजना के तहत उनके और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1:1 है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर है। छोटे और सीमांत किसान जो पहले से ही अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत पंजीकृत हैं, पीएम किसान मानधन योजना के लिए पात्र एलिजिबल नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। लाभार्थी के साथ स्पाउस भी इस योजना के लिए पात्र है और निधि में अलग अलग योगदान देकर ₹3,000 की अलग से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह यदि स्पाउस नहीं है तो ब्याज के साथ कुल योगदान नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। यदि किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के मृत्यु हो जाती है तो स्पाउस के परिवार को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग प्राप्त होगा। यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम 10 करोड़ किसान अगले 5 वर्षों के भीतर इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बना देगा। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।